हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और लगभग 9 बज गया है। तो मैं नहा ली, आज मैं थोड़ा जल्दी नहा ली क्योंकि आज किसी को अभी खाना नहीं खाना है। नमन के पापा जी और भैया बाल कटवाने गए हैं और बच्चे तो अभी खा ही नहीं रहे। आज मम्मी भी घूम के थोड़ा लेट ही आई थी, तो वो भी बस अभी नहाई हैं, तो उनके लिए अभी खाना बनाऊँगी। और पापा जी तो अभी नहा रहे हैं, वो तो भी टाइम लाएंगे नहाने में। और आज मैंने कर दी है ठाकुर जी की पूजा, नहीं तो डेली नमन के पापा जी करते हैं। क्योंकि आज मैं जल्दी नहा ली तो फिर आज मैंने ही कर दी और मेरी पूजा हो गई। और खाना तो बस रेडी है, बस रोटियां बनानी है। सब्जी वगैरह सब मैंने बना के रख दिया मॉर्निंग में, बस रोटी बनानी है। तो अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो ठाकुर जी की पूजा हो गई मेरी, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर देती हूँ, नहीं तो नमन के पापा जी वो सुबह जल्दी नहा लेते हैं 7 बजे, फिर वही कर देते हैं पूजा और मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ, तो फिर इस वजह से वही कर देते हैं मॉर्निंग में। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दोनों ठाकुर जी, और फूल तो इतना ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, और वाइट येलो सारे फूल मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अच्छे से फूल वगैरह से मंदिर को सजा दिया है और अभी प्रसाद हटाया नहीं है मैंने यहाँ से, बच्चों को दूंगी खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए रख दूंगी तो इतनी चैंटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चींटी आ जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ी देर रख के और फिर प्रसाद को हटा के और बच्चों को दे दूंगी, बच्चे खा लेंगे। और अब बना लेते हैं खाना। हो गया हमारा फ्रेंड्स और सारे मेरे काम हो गए मॉर्निंग वाले। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट राखी के लिए, तो अब लेके आती हूँ राखी। तब नहीं किया है मैंने अभी राखी का, तो मुझे अभी राखी वाला शॉपिंग करना है, तो उसके लिए ही जा रही हूँ मार्केट और देखती हूँ कैसी राखियाँ मिलती हैं। और कुछ और सामान भी लेके आना है, तो आप लोग मार्केट से आने के बाद फिर मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो इधर मुझे अभी शाम का खाना भी बनाना है, मार्केट चले जाओ तो लेट हो ही जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ चल रहा है राखी की वजह से, बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। किसी भी दुकान पर चले जाओ सारी दुकानों पर बस भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, इतना भीड़ है मार्केट में। तो मैं अपना सामान लेके आ गई, थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगा लेकिन मिल गया सब कुछ सामान, तो टाइम तो हो ही जाता है। बच्चे भी साथ में जाते हैं तो वो भी परेशान करने लगते हैं। तो इधर इतनी सारी मिर्चियाँ वगैरह रखी हैं घर पर, तो ये ख़राब हो जाएंगी, तो इनको ना मैं मतलब रख लेती हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए, कट कर लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं सब्ज़ियाँ। और गर्मी के मौसम है तो वैसे भी ज़्यादा सब्ज़ी मतलब ख़राब हो ही जाती है गर्मियों में, और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है, 3-4 दिन हो गया और ज़्यादा ही हो गया बारिश नहीं हो रहा है, इतना गर्मी है, उमस वाला हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। और कल राखी भी है तो इस वजह से मैं आज ही मार्केट चले गई, क्योंकि कल मुझे राखी लेती तो और लेट हो जाता घर जाने के लिए, तो इस वजह से एक दिन पहले ही मार्केट से राखी वगैरह अपना लेके आ गई, जो भी मुझे लेना था सारा सामान। आज फिर ये मॉर्निंग में थोड़ा मार्केट चले गए थे क्योंकि इनको भी राखी के लिए जाना है और दीदी वगैरह भी आएंगी राखी बांधने के लिए इनकी, तो ये सुबह मॉर्निंग में चले गए थे मार्केट अपने बाल कटवाने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया इनका, कम से कम 2 घंटे हो गए। मॉर्निंग में अपने बाल कटवा के आए और फिर 1-2 घंटे रेस्ट किया, फिर मुझे लेके गए, और आज तो सारा दिन इनका ऐसे ही निकल गया। फिर शाम को और चले गए कुछ मार्केट में, काम पड़ गया इनका, तो आज इन्होंने 3-4 बार मार्केट गए, और कल राखी भी है, तो इस वजह से अपनी अपनी सारे मतलब तैयारी करने में लगे हुए हैं सभी। तो इधर मैंने भी अपनी तैयारी कर ली राखी की, और ब्लॉग ना थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, नेट नहीं चलता मेरा तो बहुत स्लो हो जाता है, तो मैं इस वजह से किसी की वीडियो भी इतना नहीं देख पा रही हूँ, बहुत कम देख पा रही हूँ क्योंकि नेट इतना चलता ही नहीं है यहाँ पर, बहुत स्लो नेट चलता है, वो भी मैं अपना वीडियो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही कनेक्ट करके डाउनलोड करनी पड़ती है, नेट तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता पता नहीं। और सबका खाना पीना हो गया शाम का, और मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिया, बस मैं फ्री हो गई, और बस मुझे अब ये जो मैं कपड़े लेके आई थी तो सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो इधर में ना मम्मी है ना, उनके लिए 2 मैक्सी लेके आई, तो वो बोल रही थी कि मैक्सी भी ले आना तुम जा रही हो तो साथ में, तो इधर मैं देख के लेके आ गई क्योंकि लेडीज आती है तो थोड़ा देख के ले लेती है, जेंट्स तो उनको पता नहीं चलता। तो ये वाली मैक्सी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और ये अच्छी भी लगी मम्मी को, तो अच्छी लग रही है ये भी। और एक और लेके आई थी तो मम्मी के लिए 2 मैक्सी लेके आई हूँ, क्योंकि कॉटन की लेके आई हूँ, गर्मी पड़ रही है तो कॉटन की ही अच्छी लगती है, तो इस वजह से कॉटन की ही लेके आई हूँ, कॉटन की अच्छी रहती है गर्मियों में, इतना गर्मी भी नहीं लगता है।
और इधर मैं अपने लिए दो दुपट्टे भी लाई थी, क्योंकि मेरे पास एक वाइट कलर का दुपट्टा नहीं था। काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि वाइट कलर का दुपट्टा लूँगी, तो यहाँ से लेके आई हूँ दुपट्टा। दुपट्टा भी अच्छा मिल गया, लेकिन जो मैंने एक इससे पहले पसंद किया था ना, वो तो बहुत महंगा दे रहा था, और ये वाला मुझे थोड़ा सही रेट में मिला, तो फिर मैंने ये वाइट वाला ले लिया। और एक ये गोल्डन में लाई थी, ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि गोल्डन में मेरे पास दुपट्टा नहीं था, और मेरे पास सूट भी गोल्डन में है लेकिन दुपट्टा नहीं था उसका, मतलब कुर्ता मेरे पास है गोल्डन में, तो उसके लिए मुझे चाहिए था, तो इस वजह से मैं एक दुपट्टा गोल्डन में लाई थी और एक वाइट में, क्योंकि कल मुझे राखी के लिए मायके जाना है, और मैं सूट जो लेके आई हूँ तो उनमें वाइट और गोल्डन ही दुपट्टा चलेगा, जो मेरे पास नहीं थे। वहाँ से सोच रही थी मैं लेने का, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं मिला, तो नमन के पापा जी बोले उधर से ही ले लेना, तो इस वजह से फिर इनके साथ में राखी लेने गई, तो फिर वहीं से लेके आ गई, अच्छे लगे फिर मैं लेके आ गई। और एक सिफॉन में है और एक थोड़ा नेट में मिला है, लेकिन अच्छे मिल गए। फिर उसके बाद मैंने लिया था राखी, और राखी देखिए राखी भी अच्छा मिल गया, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा मिल गया, क्योंकि इतना भीड़ था तो जल्दी जल्दी करते हैं सभी लोग, और ये भी बोल रहे थे बहुत गर्मी हो रहा जल्दी करना, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ले लिया, लेकिन अच्छा आ गया। और इधर थोड़ा बहुत मैं मेकअप का सामान लाई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई थी, बस मुझे दो तीन लिपस्टिक चाहिए था, जो मेरे पास काफ़ी टाइम से नहीं था, मतलब मेरे पास रेड कलर का लिपस्टिक मेरा ख़राब हो गया, बाबू ने तोड़ दिया। बाबू बहुत ज़्यादा मेरा लिपस्टिक तोड़ देता है, जैसे ही मैं कभी कभी बाई चांस भूल भी जाऊँ अपना मेकअप का सामान नीचे रखने, तो तुरंत कुछ ना कुछ उसमें से उसे तोड़ना ही है, तो उससे मुझे बड़ा बचा बचा के रखना पड़ता है अपना मेकअप का सामान, बहुत जल्दी ख़राब कर देता है बाबू सारा। तो काफ़ी टाइम से नहीं थी मेरे पास रेड कलर की लिपस्टिक, और जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती लिपस्टिक, मतलब अच्छी नहीं मिलती और महंगी भी बहुत मिलती है वहाँ पर। तो इधर मैं अपने लिए लिपस्टिक लेके आई थी, और दो तीन मतलब और मेकअप के सामान लाई थी, और एक ना मैं मंगलसूत्र लाई थी शॉर्ट में, जो मुझे अच्छा लगा, जैसे कहीं सफ़र करो तो अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगा, तो फिर मैं लेके आ गई। और मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन ये था बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बाबू के लिए कोंधनी लाई थी, बाबू की काफ़ी टाइम से नहीं बंधी है उसकी कमर पर, तो उसके लिए कोंधनी भी लेके आ गई। सभी लोग बोलते रहते हैं इसके कोंधनी नहीं बांधते हो, तो इस वजह से फिर मुझे ध्यान आ गया मार्केट में, तो फिर लेके आ गई। तो ये था मेरा सारा शॉपिंग, और मैं कल राखी के लिए स्लीपर भी पहन के आ गई, जो मेरा पुराना वाला स्लीपर है ना थोड़ा पुराना सा हो गया, तो मेरा मन कर रहा था दूसरी स्लीपर लेने का, तो इस वजह से मैं कल दूसरी वाली स्लीपर भी लेके आ गई, और अच्छी लगी, अच्छी मिल गई स्लीपर भी। और एक मुझे कुर्ता भी पसंद आ गया था, जैसे गर्मियों में ना लाइट कलर के कुर्ते अच्छे लगते हैं, जिनमें गर्मी भी नहीं लगती और अच्छे भी लगते हैं, और कॉटन का कुर्ता है तो मुझे ये सही लगा, तो फिर मैंने ले लिया। जैसे वहाँ से मम्मी का मैक्सी लिया था ना, तो वहीं से मैंने अपने लिए भी एक कुर्ता ले लिया। वैसे तो मैं मायके जाऊँगी वहाँ से लेके आऊँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो फिर ले लिया, डेली यूज़ के लिए इतना महंगा भी नहीं लगा, तो फिर मैंने ले लिया। फिर इसके बाद मैं आ गई अपने रूम में ऊपर सोने के लिए, तो कल मुझे राखी के लिए जाना है, तो मैंने सोचा चलो मेहंदी भी लगा लेती हूँ, तो मेहंदी भी लेके आई थी मैं मार्केट से। और इधर बाबू लग रहा है फ़ोन देखने के लिए, तब तक बाबू फ़ोन देख रहा है तब तक मैं एक हाथ पे लगा लूँगी, क्योंकि बाबू सोएगा तो टाइम लगाएगा थोड़ा, वो टाइम लगाता है सोने में बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो एक पे लगा लेती हूँ और एक पे बाबू को सुलाने के बाद लगाऊँगी। और मेहंदी में भी मुझ पर मतलब ज़्यादा स्पीड से नहीं लग पाती, जैसे अपना आराम आराम से लगाती हूँ, लेकिन खुद से ही लगा लेती हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसी आती है मतलब खुद से ही लगा लेती हूँ, और इतना ख़ास भी नहीं आती मुझसे जैसे नॉर्मल जैसी आती है। तो फिर इनसे भी मैं थोड़ी सी लगवा रही थी, ये बोले थे चलो मैं नाम डाल देता हूँ, तो ये अपना और मेरा नाम डाल रहे इधर, और नमन बना रहा था वीडियो। नमन बहुत शरारत करता है, जैसे मैं थोड़ा बहुत भी मतलब इनसे मेहंदी वगैरह लगवाऊंगी तो बोलता है कि मैं लगाऊंगा, पापा जी नहीं लगाएंगे, मैं लगा देता हूँ, लेकिन वो छोटा सारा ख़राबी कर देगा, तो उससे मैंने नहीं लगवाया। तो इधर नमन बना रहा है वीडियो, तो नमन ऐसे नाम डाला अच्छा लग रहा था, मैं बोली आप ही डाल दीजिए, कैसे डालोगे, मैं तो ऐसे शॉर्ट में डाल देती हूँ, लेकिन इन्होंने ना पूरा डाला और अच्छा भी लग रहा है। और नमन बोला था मम्मा मेरा भी डाल दो, तो नमन का भी डालूंगी वो, और मेहंदी भी मेरा लगने पे हो गया एक हाथ पर लगाऊंगी बाद में, पहले एक पे लगा लेती हूँ ताकि ये वाली सूख जाए, लेकिन ये वाली मेहंदी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो मैंने ऐसे लगाई है अपनी मेहंदी, सही लग रही है, ज़्यादा अच्छा तो मुझे लगाना नहीं आता, लेकिन जैसा आता है खुद ही लगा लेती हूँ। थोड़ा यहाँ पर नेट का भी प्रॉब्लम है, तो मैं किसी का वीडियो ज़्यादा देख नहीं पा रही हूँ, बहुत कम वीडियो आप सबका देख पा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सभी सपोर्ट करिए, मैं थोड़ा टाइम बाद आप सबको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नेट की, नेट चलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो इधर मेरा मेहंदी लग गया,
तो मैं बाबू को सुला देती हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।